हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। ज़रूर आपने अपने पर्सन के लिए कोई ना कोई सपना देखा होगा। आप मन में सोचते होंगे, विजुलाइज करते होंगे, मैनिफेस्ट करते होंगे कि ये सपना सच हो जाए। उसमें बहुत कुछ आप देखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, और ये वो सपना होता है जो आप जागते हुए देखते हैं, वो नहीं जो नींद में देखा और सुबह भूल गए। ये वो सपना होता है अपने पर्सन के लिए, आपके खुद के लिए, जो भी आप फील करते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के पास होना चाहिए, आप लोगों के साथ होना चाहिए। तो आइए आज हम एक छापा मारते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर, ये जानने के लिए कि जैसे आप एक सपना देख रहे हैं उनको लेकर, वो आपको लेकर क्या सपना देख रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आप ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन मोड में हैं, या हो सकता है कोल्ड वॉर चल रही हो सकता है बातचीत तो करते हैं लेकिन अभी न्यू स्टेज में रिलेशनशिप है, तो सपने शेयर नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ अपने। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग के जरिए आपके पर्सन आपको लेकर क्या सपना देख रहे हैं, ऐसा वो क्या चाहते हैं आप दोनों के बीच में फ्यूचर में आगे जाकर हो। 3 पाइल्स हैं आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। पाइल 1 पे मैंने रखा है ब्लू क्रिस्टल, पाइल 2 पे है येलो क्रिस्टल और पाइल 3 पे है ये रेड क्रिस्टल। तसल्ली से सिलेक्ट कर ले पाइल। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे नहीं सिलेक्ट हो पाती है तो इसका मतलब आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप सारी रीडिंग्स देख लें, फिर जिस रीडिंग से आपको रिजोनेशन सबसे ज़्यादा महसूस हो वो पाइल को आप अपनी पाइल मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया आराम से ये समझते हुए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग पाइल 1। ब्लू क्रिस्टल के साथ आइए पाइल 1 एक्सप्लोर करते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग को। क्या वो सपना देखते हैं आपको लेकर जिसे वो पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश शायद शुरू कर चुके हैं। ये हैं आपके कार्ड्स, 9 of Cups, 7 of Wands, 5 of Pentacles, 3 of Swords, 4 of Wands, 8 of Wands, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, फूल, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, अर्थ एंड फायर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में। आप या आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है फायर या अर्थ साइन को डेफिनेटली बिलोंग करते होंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या ड्रीम करते हैं, क्या सपना देखते हैं, वो क्या आपके लिए करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में रीडिंग में कि आपको लेकर वो बहुत जज्बाती है, बहुत इमोशनल है, खास तौर पे आपको लेकर। बेसिकली वो बहुत अग्रेसिव पर्सन है, जो दिल में आता है करते हैं, जो दिल में आता है बोलते हैं, लेकिन जहाँ आपकी बात आती है वो बहुत जज्बाती हैं। उनका कुछ ऐसा नेचर मुझे दिखता है, वो खुद आपको चाहे जो कर दे, बोल दे, आपका दिल भी दुखा दे, हो सकता है ऐसा बहुत बार करते होंगे, लेकिन अगर कोई और आपके खिलाफ कुछ बोलेगा या आपके लिए कुछ ऐसी बात बोलेगा जो उनको सुनना पसंद नहीं है तो वहीं पर वो कोई ना कोई स्टैंड ले लेंगे। वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं। मुझे ये दिख रहा है इस वक्त वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सेटल्ड नहीं फील कर रहे खुद को, फाइनेंशियल लेवल पे, फाइनेंशियल पे ही मैं कहूँगी, ज़्यादा अपने आप को इतना सेटल्ड नहीं फील कर रहे। अभी वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, ये भी दिखता है उनकी रीडिंग में, वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं वो एक सपना पूरा करने के लिए जो वो आपके और उनके खुद के लिए देख रहे हैं।
वो चाहते हैं कि जब ये सपना पूरा हो, जब से मतलब है जल्दी से जल्दी, जब से मतलब ये नहीं कि कभी भी, जल्दी से जल्दी ये सपना पूरा हो और जब वो आपके सामने इसके बारे में कहें या आपसे शेयर करें तो आप हंस ना पड़े, आप उनका मजाक ना उड़ा दें। उस तैयारी के साथ ही वो आपके साथ ये बात शेयर करेंगे जब भी करेंगे, कि आप ये बात को लेकर ये ना सोचें जब वो आपसे शेयर करें कि ज़्यादा देर से तो ये होने नहीं वाला, उस लेवल पे वो उस बात सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए जो उनसे बन सकता है वो करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, ऑन द वे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं उस बात को रिलेटेड जो सपना आपके लिए देख रहे हैं, वो उसके लिए जो रिस्क पॉसिबल है वो भी वो ले रहे हैं। जो कुछ भी वो कर सकते हैं, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, वो हेल्प हो सकती है कुछ भी, ताकि वो ड्रीम पूरा हो। आइए अब हम उस ड्रीम को एनालाइज करते हैं, क्या वो सपना है जो आपको लेकर वो देखते हैं, आप जिस सपने में आप और वो हैं और वो फैमिली जो आप दोनों की होगी। ये फोर ऑफ वॉन्ड्स से आप क्लियरली देख सकते हैं, बैकग्राउंड में ये कपल है और ये अच्छा सा घर है, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ऐसा घर हो जिसमें वो रहें, आप रहें, इतनी खूबसूरत वो जगह हो जो आप देखकर ही खुश हो जाए और जहाँ से आपका कभी कहीं भी जाने का मन ना करे, आप बल्कि यही बोले मुझे हमेशा यहीं रहना है। आपके लिए वो एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। ये सबसे अच्छी बात है इस रीडिंग की, कि उनका सप्ताह एकदम मामूली सा नहीं है। दे वॉन्ट टू मेक अ ड्रीम हाउस फॉर यू। अब अगर ये लड़के के नज़रिए से देखें कि लड़का तो चलो पैसे बहुत सारे कमा के अपनी वाइफ के लिए या बिलवड के लिए एक ड्रीम हाउस बनाता है, वो समझ आती है, लेकिन लड़की ऐसा कैसे करेगी अगर वो करियर माइंडेड नहीं है। तो डेफिनेटली वो एक ऐसा घर जहाँ पर जो वो चाहे वो कर सके, जैसा चाहे वो सजा सके, जैसा उसको बनाना है बना सके, जो सहूलियत दे आपको भी और आपके साथ जुड़ी फैमिली को भी, उस घर में सबको सुकून और प्यार मिले, इस तरह का ड्रीम है आपके पर्सन का आपको और उनको खुद को लेकर एक ड्रीम हाउस बनाना है। तो एक लड़के के नज़रिए से हम ये समझ सकते हैं कि उसमें सारा वैभव हो, सारी खुशियाँ हो, सारी सहूलियतें हो, सारी आजाइशें हो, जिससे पूरा घर खुश रहे। लड़की के नज़रिए से ऐसे हम समझ सकते हैं कि घर में वो सुकून हो, वो प्यार हो, एक खूबसूरत एनवायरनमेंट हो घर का, कि जब भी घर का कोई मेंबर अंदर आए वो खुश हो जाए कि ये घर सच में जन्नत जैसा है, स्वर्ग जैसा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत, मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग करने में, कि आपके पर्सन का ड्रीम है आपको लेकर कि वो आपके लिए एक ड्रीम हाउस बना सके। अगर लड़का है तो शायद पैसे के हेल्प से बहुत सारा पैसा कमा के एक सपनों का घर बनाए, और अगर लड़की के नज़रिए से देखे तो डेफिनेटली कि ऐसा घर जहाँ जो भी रहे उसको बस प्यार, सुकून और मोहब्बत ही महसूस हो। तो ये हुआ पाइल वन का रीडिंग, कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में क्या सपना है आपको और उनको लेकर। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। तो पाइल वन का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आइए अब हम एक्सप्लोर करते हैं पाइल टू के ड्रीम को, येलो क्रिस्टल। स्वीट बट लिटिल मैच्योर, एक कंटेंट है इसमें, लेकिन मैं बहुत सोब्राइटी से आपको बताऊंगी कि आप ऑफेंड भी ना हो और आपको बात भी समझ आ जाए। खैर पहले हम कार्ड्स देख ले। सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड, डेविल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, सन एंड टू ऑफ कप्स। आप कितना कुछ समझ चुके होंगे ये कार्ड्स के ज़रिए ही, जो कार्ड्स आए हैं डेविल, फिर टू ऑफ कप्स, लवर्स जो मेन कार्ड्स, इससे ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि क्या है आपके पर्सन के दिल में। अगर साइंस में बोलूं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है वो है वाटर, और सेकंड एयर साइन। वाटर एंड एयर साइन का मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है।
तो आप यहाँ आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं इस साइन को बिलोंग कर सकते हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन के ड्रीम को, क्या दिल ही दिल में आपके लिए वो विजुलाइज करते हैं, क्या सपना देखते हैं आपको और खुद को लेकर। तो फ्रेंड्स एनालाइज करते हैं आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर कौन सा ड्रीम है। एक तो मुझे दिखता है आपकी रीडिंग से कि आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं, बहुत अटैच्ड हैं, मतलब एक लवर्स से पहले आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आपके रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप एक कपल होने से पहले एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सिक्स ऑफ कप से ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके सामने हर वक्त, आपको लगता भी होगा कि जब भी आते हैं बिल्कुल केयर करते हैं अपने लुक्स की, अपनी हर बात की, कि आप कोई भी बात उनकी ऐसी ना लगे जिससे आपको लगे ये इंसान आपके काबिल नहीं है। वो आपको हर वक्त इम्प्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। हो सकता है कई केसेस में रिलेशनशिप न्यू हो इसकी वजह से, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप पुराना है फिर भी आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि आपके पर्सन काफ़ी ध्यान रखते हैं कि वो आपके साथ आपके सामने किसी भी तरह से फीके ना लगे। उनको आपके लिए जो महसूस होता है ना वो शायद कभी किसी के लिए होगा ही नहीं। एक फियर्स लॉयल्टी जो बोलते हैं ना आपको लेकर उनके दिल में है, आपके लिए इतनी ज़्यादा लॉयल्टी, इतनी ज़्यादा वफादारी कि शायद वो कभी किसी के साथ इस तरह की अफेक्शन कर ही ना पाए अपनी लाइफ में। उसकी वजह एक ये भी है कि वो इंसान आपसे सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, और उसके ऊपर आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है एक रिलेशनशिप में। कई बार प्यार होता है लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, कई बार फिजिकल अट्रैक्शन होता है तो प्यार इतना नहीं होता है। लेकिन इस केस में मैं ये देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बहुत बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है ऐसे रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स क्या होता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसे रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी होती ना तो ऐसे लोग खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने पर्सन के लिए, या अपने पर्सन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उनसे दूर ना हो जाए उस डर से। इस ऐसे रिलेशनशिप में ये एक इश्यू हमेशा रहता है। तो ये जो आपके पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, प्यार भी आपसे बहुत करते हैं। और मुद्दे पर आते हैं अब कि ड्रीम क्या है आपको लेकर। अब वो एक्सपोज करना ज़रूरी है कि वो आपके साथ, आप ये देख सकते हैं एक प्यारा सा बच्चा है, चाहे सन कार्ड है लेकिन अगर इसको हम विजुलाइज करते हैं तो इसमें ये दिखता है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनका जो किड हो ना वो सिर्फ आपका ही हो, किसी और के साथ विजुलाइज ही नहीं कर सकते कि वो बच्चा जो उनकी लाइफ में हो किसी और पार्टनर से हो। उनको जो बच्चा चाहिए उनकी लाइफ में, जो किड होना चाहिए वो आपसे ही हो, ये उनकी ज़िद है। क्योंकि वो आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत हैं, वो आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये तो कार्ड से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि ये ऐसी बात आपसे कहेंगे तो आप गुस्से में ना आ जाएं, आपको बुरा ना लग जाए कि क्या बकबक करते हो तुम, क्या बोल रहे हो यार, ये शर्म नहीं आती आपको। कई बार ये ऐसे रिलेशनशिप में पॉसिबल है जहाँ रिलेशनशिप अभी नया है, जहाँ ये थोड़ा पुराना हो चुका है, हो सकता है वेरी सून आपके पर्सन आपसे ये बात शेयर करें, या हो सकता है कर भी दी हो कि दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू, दे वॉन्ट टू हैव बेबीज विद यू, दे वॉन्ट टू मेक बेबीज विद यू। अगर उनकी लाइफ में किड होगा तो वो आपसे ही होना चाहिए, आप ही उनके पार्टनर होने चाहिए, और किसी से उनको ये सब फैमिली बनाने का कोई शौक नहीं है। ये सपना देखते हैं आपके पर्सन छुप छुप कर आपको लेकर, आपके साथ, आपके लिए। तो फ्रेंड्स पाइल टू का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। इट वॉज नाइस क्यूट लिटिल ड्रीम दैट योर पर्सन हैज फॉर यू। इसमें गुस्सा या बुरा बनाने की बात नहीं है, अगर आप रिलेशनशिप में तो आगे जाके ये सब तो वैसे भी होना ही है। आइए अब लेते हैं पाइल 3 रेड क्रिस्टल, देखते हैं आपके पर्सन का क्या सपना है आपको लेकर। बहुत फायर साइंस आ रहे हैं आज, बहुत ज्यादा। ये
इसमें भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कार्ड्स हैं फायर साइन, तो मुझे फायर साइन और सेकंड बहुत हद तक मैं कह सकती हूँ एयर साइन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस रीडिंग में। आइए पहले कार्ड्स देख लें आप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 का भी बहुत दिख रहा है मुझे इन्फ्लुएंस, 9 नंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन का ड्रीम क्या है जो आपके लिए वो देखते हैं, आपके साथ देखते हैं, जो भी उस सपने में जो भी पार्टनर हो वो आप ही होना चाहिए, ऐसा क्या ड्रीम देखते हैं वो आपको लेकर। चलिए सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ, पहला कार्ड ही आपका है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर, कितने सारे कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं जहाँ वो आगे की देख रहे हैं, आप देख सकते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब कार्ड्स दिखाते हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। इससे दूसरा मतलब है कि उनका जो ड्रीम है आपको लेकर ये है कि बहुत ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इतना घुमाना फिराना चाहते हैं, आपको अब्रॉड ले जाना चाहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बहुत घुमाना चाहते हैं और आपको लेकर बहुत दूर दूर तक जाना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है ट्रैवलिंग का, ये मुझे रीडिंग दिख रहा है बहुत ज़्यादा वो ट्रैवलिंग के सपने देख रहे हैं आपके साथ, कि लाइफ में अगर कभी अब्रॉड जाना है तो आप उनके साथ ज़रूर होने चाहिए, आप ही नहीं आपकी और उनके साथ जो फैमिली बनेगी, आप लोगों की फैमिली क्यूट सी, जहाँ बच्चे प्यारे प्यारे होंगे आपके, आप दोनों होंगे, वो सब मिलकर कहीं दूर दूर तक जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये उनका बहुत बड़ा ड्रीम है आपको लेकर, एक सपना है कि आपको पूरी दुनिया की सैर कराना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है अभी वो थोड़े स्लो हैं प्रोग्रेस में, वो अपने ड्रीम की तरफ थोड़े स्लोली बढ़ रहे हैं, हो सकता है अभी उनकी इतनी मैच्योरिटी ना हो, हो सकता है अभी उनकी इतनी तैयारी ना हो फाइनेंशियली, इसकी वजह से वो थोड़े स्लो हैं, और ये भी फील कर रहे हैं कि ये ड्रीम बहुत बड़ा वो देख रहे हैं जिसके लिए बहुत मेहनत उनको करनी पड़ेगी, और अगर ये ड्रीम पूरा ना हुआ तो उनको बहुत पछतावा होगा, इसलिए शायद वो इस वक्त आपसे शेयर नहीं करते कि उनका ड्रीम है आपको पूरी दुनिया की सैर कराना, दूर दूर तक ले जाना, कि आप ही थककर एक दिन बोल दें कि बस यार बहुत घूमे अब नहीं घूमना, इतना ज़्यादा वो आपको ट्रैवल करवाना चाहते हैं, और आप वो और आपके जो क्यूट क्यूट किड्स होंगे उनको लेकर इस वक्त वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर वो अभी अकेले हैं तो अभी वो पूरी मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जो कुछ भी वो ये ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, जो भी उनके मन में जो भी ये है ना, वो पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि जब भी आपके सामने बात को खोलेंगे, एक्सपोज करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, और जब आप अगर एकदम से बोलेंगे भी ना हो ही नहीं सकता, तो आपको प्रूफ दिखाएंगे, देखो मैंने ये तैयारी करके रखी है, ताकि आप ये बोल ही ना सको कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा सैर सपाटा करेंगे, इतना घूमेंगे फिरेंगे, इतना लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं आप ग्लोब हाथ में है इस कार्ड में, तो आपको पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की सैर कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा ड्रीम है। इनफैक्ट बहुत ही सेंसिटिव इंसान है जो अपने शौक को और आपके शौक को समझकर उन्होंने एक ड्रीम को, एक क्यूट सी ड्रीम को जन्म दिया, उस ड्रीम ने उनके माइंड में इनफैक्ट जन्म लिया कि वो आपको पूरी दुनिया की सैर कराना चाहते हैं। हो सकता है कभी बातों बातों में आपने कहा हो कि मुझे तो घूमना है, मुझे वर्ल्ड देखना है, ये मेरा ड्रीम है, कहीं ना कहीं वो बात उनके दिल में ऐसी बैठ गई है कि वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो हर तैयारी कर ले और जल्दी से जल्दी आपका ये सपना पूरा करे कि आपको पूरी दुनिया की सैर कराए, और इस बात को लेकर जो जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए ना इस वक्त, वो पूरी पूरी तरह से उठा रहे हैं। आपको अगर कई बार ये भी लगता होगा ना, आपको वक्त नहीं दे पाते हैं, ठीक से टाइम नहीं दे रहे, उसकी वजह ये है कि वो ड्रीम को पूरा करने के लिए उनसे जो बन पड़ता है अभी वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर ही एफर्ट्स अपने डाल रहे हैं, थोड़े स्लो हैं, लेकिन जब वो इस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे वो मुकम्मल होगी, पूरी होगी, क्लियर कट होगी। तो फ्रेंड्स पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको अपने पर्सन का वो
हिडन ड्रीम आज पता चल गया जो आपको लेकर वो देखते हैं, आपके साथ जो फैमिली वो बसाएंगे उसको लेकर देखते हैं कि पूरी दुनिया का एक एक कोना वो आपको घुमाना चाहते हैं, ऐसा उनका सपना है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू विद योर पार्टनर, विद योर पर्सन, और आप वो हर चीज़ को एंजॉय कर सके जो आपके पर्सन आपके लिए देख रहे हैं। बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।